नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। अमरावती सहित पूरे देश भर में श्री गणेश जी के आगमन का उत्साह देखा जा सकता है। लोग बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ श्री गणेश के आगमन पर खुशियां मना रहे हैं। बाजार सजे हुए हैं, लोग अपने घरों से निकलकर बाजार का रुख कर रहे हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश की मूर्तियां घरों में विराजित की जा रही हैं और मूर्तियों के द्वारा पंडालों की रौनकें भी बढ़ाई जा रही हैं। श्री गणेश की मूर्तियों के साथ साथ श्री गणेश के पूजन में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां भी बाजार में अटी पड़ी हैं। लोग उन सामग्रियों को खरीदकर हर्षोल्लास के साथ पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश का आगमन है तो फिर लोगों में हर्षोल्लास तो होना ही है। लोग ढोल ताशा और धूम धड़के के साथ सड़कों पर विघ्नहर्ता गणेश की मूर्तियां लिए हुए नजर आ रहे हैं और इन मूर्तियों को ले जाकर अपने घरों में विराजित कर खूब आनंदित महसूस कर रहे हैं। लोगों के उत्साह और उमंग का एक नजारा आप हमारी फुटेजेस में देख सकते हैं। लोग किस तरह से गणेश जी की मूर्तियों को अपने हाथों में लेकर स्नेह और श्रद्धा के साथ अपनी भक्ति का सबूत दे रहे हैं। आज अमरावती शहरातील सर्व गणेशोत्सव मंडळ व सर्व घरगुती गणपती मंडळाला माझ्याकडनं व महानगरपालिकेचा सदस्य म्हणून सर्व अमरावतीकरांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा। गणपती सर्वांना सद्बुद्धी देऊ, अमरावती शहराची स्वच्छता राखण्यासाठी हीच माझ्याकडून सर्वांना शुभेच्छा। गणेश उत्सव के पावन अवसर पर न्यू आजाद मंडल की ओर से एक भव्य गणेश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पंढरपुरी घोड़े मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। ज्ञात हो कि आजाद हिंद मंडल की तरफ से पंढरपुरी प्रियता की झांकी बनाई गई है, जिसमें इन दृश्यों को काफी खूबसूरती से दर्शाया गया है कि पंढरपुर की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी वह जिस तरह से भक्ति भाव में विलीन होकर अपने हृदय से भक्ति का सबूत देते हैं, वह कई लोगों के लिए मिसाल है। अपनी शोभा यात्रा में आजाद हिंद मंडल ने पंढरपुर के घोड़ों का रिंगन भी बनाया और इस रिंगन में पंढरपुर के घोड़ों को चलाकर वहाँ के हालात को हकीकी मायनों में अम्बा देवी की नगरी में जमीन पर उतारने की कोशिश की है। इस शोभा यात्रा के दौरान सड़कों पर भारी ढोल पथक के साथ न्यू आजाद मंडल में स्थापित की जाने वाली गणेश प्रतिमा का स्वागत किया गया। इस दौरान यह शोभा यात्रा शहर के जिन जिन हिस्सों से होकर गुजरी उन परिसरों का हाल भक्तिमय हो चुका था। भगवान गणेश की इस शोभा यात्रा में मुख्य तौर पर शहर के माननीय विधायक सुनील भाऊ देशमुख और पूर्व महापौर माननीय विलास भाऊ इंगोले, इनके साथ ही आज़ाद हिंद मंडल के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। कहते हैं भक्ति की कोई उम्र नहीं होती और भक्ति का कोई रंग नहीं होता, इसीलिए शहर भर में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के आगमन पर छोटे से लेकर बड़े, बच्चे से लेकर बूढ़े, मर्दों से लेकर महिलाएं, हर कोई भक्ति में विलीन होकर विघ्नहर्ता की आगमन का जश्न मना रहा है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बड़े, हर कोई अपने घरों से निकलकर बाजारों में विघ्नहर्ता गणेश के आगमन की तैयारियों की वस्तुएं खरीद रहा है और भक्ति में लीन होकर हर कोई जय श्री गणेश के नारे लगा रहा है। शायद यही हमारे देश और हमारे शहर की संस्कृति है और इसीलिए शास्त्रों में कहा भी गया है कि भक्ति का कोई रंग नहीं होता, जिसका एक नज़ारा अमरावती शहर में भी देखने को मिल रहा है। बाजारों से लेकर श्री गणेश के पंडालों तक हर जगह छोटे से लेकर बड़े हर कोई भक्ति में लीन होकर गणपति बप्पा की श्रद्धा में डूबा जा रहा है। किन्नर समाज अपनी जीवन शैली को लेकर हमेशा ही लोगों के निशाने पर रहा है। किन्नर समाज को लेकर समाज की मानसिकता और सोच किसी से छुपी नहीं है और इसका उदाहरण कई बार समय समय पर समाज के संकीर्ण सोच वाले लोग देते भी रहे हैं। लेकिन अब किन्नर समाज अपनी पहचान को बदलने के लिए बढ़ पड़ा है। किन्नर समाज की एक प्रसिद्ध सदस्य मुन्नी, इन्होंने किन्नर समाज में एक नई परंपरा की शुरुआत डाली है। समाज में किन्नर समाज को हमेशा ही त्योहारों के मौसम में वर्गनी करने वालों के तौर पर देखा गया है, लेकिन मुन्नी ने किन्नर समाज की इस पहचान को बदलने की एक छोटी सी कोशिश की है। जी हाँ, इस गणेश उत्सव पर उन्होंने गणेश मूर्तियों के मार्केट में अपनी एक छोटी सी मूर्तियों की दुकान लगाई है और इस दुकान के जरिए होने वाली आमदनी को अनाथ बच्चों के लिए दान करने का निर्णय लिया है। उनकी इस पहल का पता चलते ही समाज के लोगों ने भी उनका खूब साथ दिया। लोग उनकी दुकान पर आकर अपनी पसंद की मूर्तियां खरीद रहे हैं और उनकी इस पहल में सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं। VCN न्यूज से बात करते हुए मुन्नी ने अनाथ बच्चों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। नमस्कार, मैं रेखा पाटिल उर्फ गुड्डी जोगी, गणपतीच्या हार्दिक शुभेच्छा सगळ्या अमरावतीवासियांना माझ्याकडून। मी पण एक गणपतीचा स्टॉल लावलेला आहे आणि कमीत कमी दरात माझा चालला आहे आणि मला खूप आनंद होत आहे की बा माझ्याकडनं गणपती वगैरे घ्यायला लोक येत आहेत। मी पहिल्यांदा आपल्या अमरावतीमध्ये पहिल्यांदा एक अशी किल्लर आहे की मी असं स्वतःचं हे करून राहिले आणि याच्यातलं जे प्रॉफिट येणार आहे त्या अनाथ मुलांसाठी मी देत आहे गुंजनीमध्ये। कहते हैं किसी चीज़ की खूबसूरती उतनी ही निखरती है जितना उसे संवारा जाए, फिर चाहे वो गणेश जी की मूर्तियां हो या फिर कोई और वस्तु। मिट्टी को एक खूबसूरत सांचे में ढालना और उसकी मूर्ति बनाना यह एक अलग कला है, लेकिन जब मिट्टी मूर्ति में तब्दील हो जाए तब उसे संवार कर उसकी शोभा बढ़ाना यह एक अलग कला है। जी हाँ, ऐसी ही एक कला में माहिर श्री अंकुश रोड़े अमरावती के गणेश नगर निवासी हैं, जो कि पिछले 10 सालों से अपनी इस कला से कई तरह की मूर्तियों को संवार चुके हैं। इनके द्वारा संवारी गई मूर्तियों की भव्यता और खूबसूरती देखते ही बनती है। अपनी इस कला के प्रति इनकी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का ही नतीजा है कि आज इनके द्वारा सजाई गई और संवारी गई मूर्तियों की डिमांड पूरे शहर सहित अमरावती, पुणे, मुंबई और नासिक जैसे शहरों में भी की जाती है। कहते हैं कला और संस्कृति सरहदों की मोहताज नहीं होती। जी हाँ, अपनी कला के प्रति अंकुश रोड़े की निष्ठा और लगन ने यह साबित करके भी दिखाया है। इसी का नतीजा है कि आज इनके द्वारा सजाई गई मूर्तियों की डिमांड सिर्फ अमरावती भर में नहीं बल्कि नासिक, पुणे और मुंबई जैसे प्रसिद्ध शहरों में भी है। गणेश जी की मूर्तियों को सजा संवार कर उनकी शोभा बढ़ाई जा सकती है, इसका सबूत अंकुश रोड़े पिछले 10 सालों से दे रहे हैं और श्री गणेश की मूर्तियों को पेंटिंग के अलावा भी और भी कई चीजों की वस्तुओं से और कई तरीकों से सजाया संवारा जा सकता है। इसका प्रमाण भी श्री अंकुश रोड़े ने ही दिया है। इनके द्वारा सजाई गई मूर्तियाँ किस तरह लोगों का दिल मोह लेती है, इसका एक नजारा आप फुटेजेस में भी देख सकते हैं। विदर्भ की सांस्कृतिक राजधानी अमरावती शहर में पूरे देश सहित विघ्नहर्ता गणेश पधार चुके हैं। विघ्नहर्ता के आगमन पर शहर के पर्यावरण में किसी तरह का विघ्न ना हो, इसीलिए अमरावती कुम्हार एसोसिएशन द्वारा यह अपील की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों में पीओपी से बने हुए विघ्नहर्ता को ना लाए, बल्कि मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों का ही पूजन किया जाए और उन्हीं को अपने पंडालों की और अपने घरों की शोभा के लिए विराजित किया जाए। पीओपी से बनी मूर्तियों द्वारा प्रदूषण को देखते हुए इस बार अमरावती कुम्हार एसोसिएशन की ओर से सिर्फ मिट्टी के ही बने हुए गणेश जी की मूर्तियां खरीदी जाए और बेची जाए, इस तरह की अपील की गई और लोगों के बीच इस तरह की जागरूकता भी फैलाई गई कि लोग सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से ही बनी विघ्नहर्ता की मूर्तियों को अपने घरों में विराजित करें। तो मी डॉक्टर संजय साळवीकर दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्याकरता आमच्या समितीतर्फे मातीची श्रीची निर्मिती होता। दरवर्षी आम्ही गणपतीची मूर्ती ही मातीची करण्यासाठी सर्व मूर्तिकारांना सांगतो। आज पीओपीचा प्रश्न असा निर्माण होतो, पीओपीची प्रतिष्ठा केल्यानंतर ज्या धार्मिक भावनेने आपण श्रीची प्रतिष्ठा करतो, परंतु अनंत चतुर्दशी झाल्यानंतर जेव्हा विसर्जन करतो त्यावेळेस त्या पीओपीच्या मूर्तीचं विसर्जन होत नाही, पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो, त्याचबरोबर मूर्तीची विटंबना होते, धार्मिक भावना कळा लागते। या सगळ्या गोष्टीवर प्रतिबंध लागावा आणि पारंपरिकरित्या जसं आपण 20-25 वर्षापूर्वीपासून मातीची मूर्तीची प्रतिष्ठा करत होतो, त्या दृष्टिकोनातून आम्ही दरवर्षी गेल्या 5 वर्षापासून नेहरू मैदान येथे मातीच्या मूर्तीचं प्रदर्शन भरवतो आणि याला अमरावतीकरांचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आम्हाला मिळत आहे। जेणेकरून माझी नम्र विनंती आहे अमरावतीकरांना का पर्यावरणाचा जर ऱ्हास रोखायचा असेल, पर्यावरणाचा समतोल जर राखायचा असेल तर आपण श्रीची प्रतिष्ठा ही मातीची करावी, अशी माझी नम्र विनंती आहे। आपण सर्वांना माहिती आहे की ही आपली जुनी परंपरा आहे, गणपतीची आपण प्रतिष्ठापना करतो। पूर्वीच्या काळात सगळे मातीचे गणपती राहायचे, पण नंतर काळात हळूहळू ते पीओपी होत गेले आणि त्याच्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत गेला। त्यामुळे विदर्भ कुंभार समाज यांनी पुढाकार घेऊन अमरावती शहरामध्ये हे एक आव्हान स्वीकारून यांनी मातीच्या गणपतीची निर्मिती करून आणि त्याच्यावर स्वतःचा विदर्भ कुंभार समाजाचा स्टॅम्प लावून आज विक्रीस आणलेले आहे। ते ऑथेंटिक मातीचे आहे, याचा एक त्यांनी ब्रँड तयार केला आणि मला सांगण्यात आनंद होतो की जो सामान्य लोकांचा रिस्पॉन्स त्याला मिळत आहे, लोकांमध्येही ही आता भावना निर्माण होत आहे की आपण मातीचा गणपती घरी बसवला पाहिजे। गणेश चतुर्थी निमित्त आज 13 सितंबर 2018 को श्री गणेश भक्तों द्वारा गणपति बप्पा मोरिया की जय घोषणा से गणेश विघ्नहर्ता का स्वागत किया गया। विघ्नहर्ता गणराय को घरों घर उत्साह पूर्व वातावरण में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्थापित किया गया। इस वर्ष 11 दिनों तक गणेशोत्सव जारी रहेगा और 23 सितंबर 2018 को अंत चतुर्दशी को श्री गणेश का विसर्जन किया जाएगा। खामगांव शहर के मान लाकड़ी के गणपति की भी स्थापना की गयी है। पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा ने भी अपने पूरे परिवार के साथ अपने निवासी स्थान पर श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना कर स्थापना की। स्थानीय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नगर पालिका मैदान पर श्री गणेशाय के भक्तों की खूब गर्दी उमड़ पड़ी। भक्त, सार्वजनिक गणेश मंडल, बाल गोपाल गणेश मंडल आदि के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी धूमधाम से श्री गणेश जी की मूर्ति हर्षोल्लास के साथ ले जाकर स्थापना करने में जुट गए। श्री गणेश भक्त अपने परिवार के साथ नगर पालिका मैदान पर पहुंचकर श्री गणेश की मूर्ति अपने घर ले जाकर स्थापना करने में जुट गए। सुनील भावरे, बाल गजानन गणेश मंडल, पंडित चरस क्रीडा मंडल, पदमपुरा, संभाजी नगर, औरंगाबाद। हमारे मंडल में दो मूर्तियाँ थी चांदी की, वो एक करने के लिए हमने खामगांव सिल्वर पार्क कमलनाथ सेठ इनको हमने चूज़ किया और यहाँ 32 किलो की मूर्ति हमने बनाने का निर्णय किया। और यहाँ पर बहुत बढ़िया मूर्ति, ये सिल्वर विश्वकर्मा सिल्वर इसमें अच्छी तरह से बनाई है। श्री जगदीश प्रसाद जागीर के विश्वकर्मा सिल्वर हाउस, ये प्रतिष्ठान करीबन 125 साल पुरानी है। उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन के अंदर हम काम कर रहे हैं। ये मूर्ति गोपाल गणेश मंडल औरंगाबाद की है और इस मूर्ति का विशेष महत्व ये है कि ये 100% प्योर चांदी के अंदर बनी है और ये पूरी 100% हैंडमेड है, बिना डाई के हमने इसको बनाया है और इसकी कीमत करीबन 15 से 16 लाख है। VCN न्यूज के लिए खामगांव से प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। अमरावती शहर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख को प्रदेश की भाजपा सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में डॉक्टर सुनील देशमुख के पदोन्नति की चर्चा काफी समय से चल रही थी। 12 सितंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार की ओर से घोषणा की गई कि विदर्भ पाटबंधारे विकास मंडल का उपाध्यक्ष पद डॉक्टर सुनील देशमुख को दिया जाता है। उसके बाद ही यह भी हो गया कि उनका दर्जा महाराष्ट्र सरकार के किसी कैबिनेट मंत्री से कम का नहीं होगा, क्योंकि विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडल की स्थापना अधिनियम 1997 के अनुसार की गई है और डॉक्टर सुनील देशमुख को इस महामंडल के उपाध्यक्ष के पद पर 26 जून 2018 से बहाल किया गया है। इस मंडल के उपाध्यक्ष पद का दर्जा किसी कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होने पर विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख को शहर के नागरिकों की ओर से शुभकामनाएं दी जा रही हैं और शहर के लोगों को उम्मीद है डॉक्टर सुनील देशमुख को कैबिनेट मंत्री के स्तर का दर्जा मिलने के बाद शहर के विकास कार्यों को प्रगति मिलेगी। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड़्या, घाघरा ओढ़नी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना विदर्भ का सबसे सुप्रसिद्ध शोरूम अब बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स में श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल। जहां आपको मिलेगा बनारसी शालू, घाघरा ओढ़नी, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पार्टी वियर वन पीस, मेंस वियर में जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ब्लेजर्स और शेरवानी, किड्स वियर में शर्ट, टी शर्ट और जीन्स। तो आए पूरे परिवार के साथ श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, डीजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ और खबरें विस्तार से। भगवान गणेश के आगमन पर पूरे शहर में धूम मची हुई है, जगह जगह भीड़ आपको नजर आ जाएगी। इन्हीं सबके बीच शहर का पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद नजर आ रहा है। खुद शहर के पुलिस आयुक्त अपनी टीम के साथ हर जगह का मुआयना कर रहे हैं और शहर में घट रही हर एक छोटी बड़ी घटनाओं पर बारीकी से नजर जमाए हुए हैं। इस अवसर पर उन्होंने VCN न्यूज से बात करते हुए अपनी तैयारियों के बारे में बताया और गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर शहर वासियों को भगवान गणेश के आगमन की बधाई भी दी। इसके साथ ही लोगों से आह्वान भी किया कि वो इस पवित्र अवसर पर अपने घरों में मिट्टी की मूर्तियों को सजाएं और POP की मूर्तियों का बहिष्कार करें। इन सब के साथ उन्होंने अमरावती शहर की जनता से यह भी अपील की कि इस अवसर पर पुलिस बंदोबस्त में वह पुलिस का सहयोग करें ताकि पुलिस को अपना काम करने में आसानी हो सके। आजपासून सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवानिमित्त मी संजयकुमार भाविस्कर, पोलीस आयुक्त, अमरावती शहर, अमरावतीकरांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। येणारा गणेशोत्सव आपण अत्यंत आनंदाने साजरी करावा अशी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो। गणेशोत्सव साजरी करताना आपण पर्यावरणाचं जास्तीत जास्त संवर्धन कसं होईल याबद्दलही काळजी घेणं आवश्यक आहे। आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे की महाराष्ट्रामध्ये गणेशोत्सव हा एक सामाजिक उपक्रम आहे, त्याच्यात सर्व धर्म जातीचे लोक हिरेने भाग घेत असतात आणि मी आपल्या सगळ्यांना या निमित्ताने आवाहन करू इच्छितो की हा उत्सव आपली धार्मिक भावना आणि सामाजिक संघटन अधिक बळकट कसं होईल यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे। महाराष्ट्रात पुण्याच्या खालोखाल तर कुठे गणपती महोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा होत असेल तर तो आपल्या अमरावती शहरात, आणि ह्या संपूर्ण सणामध्ये सगळ्यांनी खूप खूप आनंद साजरा करावा अशी मी आपल्याला शुभेच्छा। धन्यवाद। अमरावती शहर जिला कांग्रेस कार्यकारिणी के भिन्न भिन्न पदों पर पिछले 3 दिनों से वोटिंग जारी थी। इसमें कई लोगों ने चुनावों में हिस्सा लिया और कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वोटिंग की। इस वोटिंग के बाद शहर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नीरज भाऊ गुहे की 467 मतों से विजयी हुई। इसके बाद अमरावती शहर की युवक कांग्रेस को उनका नया अध्यक्ष मिला। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनावों की प्रक्रिया पिछले 3 दिनों से अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में चल रही थी। इस प्रक्रिया के बाद 13 सितंबर 2018 को इन चुनावों के नतीजे घोषित हुए, जिन नतीजों के मुताबिक नीलेश भाऊ गुहे शहर युवक कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। अमरावती जिल्हा युवक कांग्रेस 2018 निवडणुकीमध्ये आम्ही उमेदवार सगळे भरघोस मतांनी निवडून आलो। आणि राहुलजी गांधी यांनी जे निवडणूक पद्धती काढून जे आम जनतेतील मुलांना अध्यक्षपद काही पदांवरती चढवण्याची जो प्रक्रिया केली ती आज खरोखर साकार झाली आणि या प्रक्रियेचा आम्ही त्यांचा धन्यवाद करतो, आपल्या सर्व नेतेगणांचा धन्यवाद करतो आणि पुढच्या वाटचालीसाठी सर्वांकडून आशीर्वाद मागतो। बप्पा का आगमन हो चुका है, लेकिन अमरावती शहर की सड़कें शहर प्रशासन का इम्तिहान लेने को पूरी तरह से तैयार दिखती हैं, क्योंकि जिस तरह के दावे किए गए हैं अमरावती शहर की सड़कों को लेकर हालात उससे बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। कहीं सड़कों की हालत पहले से ही बीमारियां है तो फिर कहीं सड़कों पर विकास कार्य चल रहे हैं जिसके चलते सड़कों की दुर्दशा जग जाहिर है। सड़कों पर चल रहे विकास के कार्य भी बप्पा के आगमन में खलल पैदा कर रहे हैं और फिर जिन सड़कों पर विकास का काम नहीं चल रहा है उन सड़कों की हालत इतनी बीमारियां है कि एक वक्त को पैदल चलते हुए आदमी को भी दिक्कतें महसूस हो ही जाती हैं, तो फिर गणपति बप्पा के आगमन पर भीड़ को दिक्कतें होना लाजमी है। खराब सड़कों की व्यवस्था कोई आज की नहीं है, बल्कि आज तो सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है कि अमरावती महानगर पालिका के दावों के बीच किस तरह से इन सड़कों पर गणेश के मतवालों को दिक्कतें आ रही हैं और इन तकलीफों के बीच भी लोग भारी उत्साह और हर्षोल्लास के साथ गणपति बप्पा के आगमन की खुशियों में डूबे हुए हैं। यह तो बात सिर्फ बप्पा के आगमन की हुई, लेकिन कुछ दिन बीते नहीं कि बप्पा के विसर्जन की धूम भी सड़कों पर बिखर जाएगी और विसर्जन के वक्त इन विकास कार्य में डूबी हुई सड़कें और गड्ढों की वजह से बीमारियां हुई सड़कों की हालत से लोगों को कई ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। सदगुरु दत्त धार्मिक और परमार्थिक ट्रस्ट इंदौर की ओर से पारधी और आदिवासी शैक्षणिक संकुल विद्यार्थियों के लिए निर्मित किए गए खामगांव के वस्ती गृह केंद्र सरकार नूतन इमारत का उद्घाटन समारोह 14 सितंबर 2018 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संचालक मोहन भागवत की उपस्थिति में होगा। वह इस अवसर पर पारधी समाज के गुणवंत विद्यार्थियों के साथ संवाद साधेंगे, ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद में दी गयी। सदगुरु परमपूज्य भैयूजी महाराज यांनी स्थापन केलेले इथं ऋषी संकुल आणि पारधी समाज आदिवासी आश्रमशाळा इथे 12 ते 14 सप्टेंबर विविध कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। 12 ते 14 ऋषी संकुलवर दत्त मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा आणि 14 तारखेला मोहनजी पारधी समाजात जे महाराजांनी काम केलेलं आहे ते बघण्याकरिता आणि रामदेव बाबा यांच्याकडून जे CSR फंड मिळालेला 1.5 कोटी रुपये ज्याच्यामधून मुलींसाठी वसतिगृह उभारलेलं आहे त्याचा लोकार्पण सोहळा इथे संपन्न होत आहे। आणि पारधी समाजातील जे काही लोक समोर आलेली आहेत शिक्षण घेऊन त्यांच्याशी आणि काही पारधी समाजांशी एक पारधी परिषद म्हणून आयोजित केलेली आहे त्याचा एक योग्य अनमोल मार्गदर्शन मोहनजी त्यांना करतील। पुणे के अमनोरा फाउंडेशन के प्रयास से खामगांव तहसील के सजनपुरी स्थित सूर्यदेव पारधी समाज आदिवासी आश्रमशाला में निर्मित की गई नूतन वस्तु का उद्घाटन समारोह यात्री की जोरदार तैयारी की गई। इस अवसर पर श्री दत्त धार्मिक एवं परमार्थिक दत्त इंदौर के पदाधिकारी की उपस्थिति रहेगी। भैयूजी महाराज प्रणीत श्री दत्त धार्मिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट इंदौर की ओर से समाज के अपेक्षित घटकों के लिए विविध सामाजिक उपक्रम अमल में लाने की जानकारी भी इस अवसर पर दी गई। VCN न्यूज के लिए खामगांव से फारूक सर की रिपोर्ट। माहूर परिसर में शेख फरीद वसरा यहां 12 सितंबर को श्याम बापू भारती महाराज की अध्यक्षता में भगवान बाबा की जयंती का कार्यक्रम लिया गया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय वंजारी युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनराज गुड्डे, भाजपा के नेता धरम सिंह राठौड़, संध्या राठौड़, किनवट तालुका के भाजपा अध्यक्ष श्याम केंद्रे, शिवसेना तालुका प्रमुख बालाजी मुरकुटे पाटिल, युवा नेता संदीप केंद्रे, सरपंच अंत कलाबाई के साथ अन्य गणमान्य भी इस मौके पर उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत सभी गणमान्य लोगों के हाथों से भगवान बाबा की प्रतिमा पूजन किया गया। इस मौके पर लोक नेता स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे के पुतले की जगह का भी पूजन किया गया। इस अवसर पर अनेक लोगों ने भगवान बाबा के जीवन चरित्र क्षेत्र पर अपने विचार व्यक्त किए। इस समय अच्छे मार्क्स से आगे जाने वाली छात्राओं का भी सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन साईनाथ नागरगोजे और आभार प्रदर्शन सुनील फड इन्होंने किया। यह भगवान बाबा जयंती का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। VCN न्यूज के लिए मोहर से संजय घोघरे की रिपोर्ट। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।